अमन, आई लव दिस सॉन्ग. मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने ये गाना परफॉर्म किया है. और कैप्टन से जानते हैं, पहले कैप्टन आतिफ, आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? शायद वो हाई नोट्स जो हैं वो एक एपिसोड में, दो एपिसोड में चल जाते हैं, बट नॉट इन एवरी एपिसोड. एंड आई वुड से कि उसका पीछे से गाना कंसिस्टेंटली चलते हुए सुर में आना और लय को फॉलो करना, और आपको ब्रीदिंग के इश्यूज भी हो रहे थे बीच में, तो वो चीजें जो हैं वो अब तक मुझे लगता था कि काफी कुछ सीख जाना चाहिए अगर इसको मद्देनजर रखा जाए. बहुत हैरानगी होगी मुझे कि अगर आपको 10 मार्क्स भी मिलेंगे जजेस से. कैप्टन हिमेश जी, डू यू अग्री कैप्टन आतिफ ने अब जो कुछ भी कहा? आई डोंट अग्री एट ऑल. अमन, यू सॉन्ग इट ब्यूटिफुली. यू आर अ वेरी गुड सिंगर. कमाल के गायक हो तुम यार. बहुत अच्छा गाया, जबरदस्त है. आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने इतने गाने गवाए हैं सिंगर से. जी जी, कुछ हाँ. तो ख्याल कीजिए. और मैं वही ख्याल करके कह रहा हूं कि बहुत कमाल का गाया तुमने. बहुत अच्छा गाया. ओके, और अच्छा गाओ फिर. और अच्छा गाना चाहिए तुम्हें, बिकॉज आई थिंक यही एक स्टैंडर्ड है म्यूजिक डायरेक्टर का. तो मेरे नजदीक अगर ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है तो फिर अल्लाह मालिक म्यूजिक डायरेक्शन का. ओके कैप्टन्स, थैंक यू. कैप्टन्स में डिसएग्रीमेंट है आपके परफॉर्मेंस के बारे में, और ये बहुत अहम परफॉर्मेंस है, इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है टीम इंडिया के लिए. तो मार्क्स जान जाते हैं रिस्पेक्टेड जूरी से. सुर ताल और एक्सप्रेशन के जंग में ये परफॉर्मेंस 10 रहा या 0 रहा? रिस्पेक्टेड जूरी ने आपको 0 मार्क्स दिया है आज. कैप्टन हिमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहता. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लव दिस सॉन्ग. आई एम विद यू. थैंक यू कैप्टन. रिस्पेक्टेड जूरी से परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं. अमन, रूना जी, काफी दफा आप सुर से गए. होल्डिंग नोट्स हैं, स्टैंडिंग नोट्स जो हैं वो हट जाते हैं सुर से, या फिर कोई जल्दी से कोई मुर्की या तान लेते हैं तो जब वापस आते हैं तो लैंडिंग नोट जो है वो हिल जाता है. तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन इज बिकमिंग वेरी वेरी टफ. हर चीज़ का जो है ख्याल करना पड़ेगा. ऑल द बेस्ट. थोड़ा बहुत हो जाता है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है. इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे. इंशाल्लाह आप और अच्छा करेंगे. सलामत रखिए मौला आपको. शुक्रिया. शुक्रिया आबिदा जी. इस गाने में आपका सुर बहुत डोल रहा था, शुरू से सुर डोल रहा था. आखिरी जो आपने अल्लाह जो ऊपर जो कहा वो भी सुर में डोल रहा था, तो बहुत ज़्यादा इस गाने में उलट पलट थी. ये जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस था टीम इंडिया के लिए. पाकिस्तान का स्कोर है 60, इंडिया का स्कोर रिमेंस 30.